रुक जा, मैं भी आती हूँ, रुक। तो ये देखो हम आज कहाँ पे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हो ये इतनी बड़ी सीप और बिल्कुल दरिया के बीचों बीच। आप लोगों को आज मैं एकदम न्यू जगह पे लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज कौन सी जगह पे आई कुछ हूँ और आपको आज की वीडियो एकदम अलग देखने मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये कौन सी जगह है, कहाँ है, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर करूँगी। तो बस हाजी साहब कहते हैं हाथ पकड़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ताहा भी है और हम आज कहाँ पे आए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड। तो बस आज हम ताहा के साथ, हमारा आज का सफ़र होने वाला है ताहा के साथ। तो अभी एकला ताहा नहीं है, ताहा के साथ में बहुत सब है, दिखाती हूँ। तो ये है ताहा के घर को, हमने कर दिया बाय बाय टाटा और हम ताहा के घर को छोड़ के निकल चुके हैं। आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे अलंग, जहाँ पे सीप टूटते हैं। नहीं समझ में आया ने? समझना बहुत मुश्किल है लेकिन हम, मेरे लिए भी सीप टूटते हैं ये क्या है। तो बस आज का हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट और आज मैं आपको लेके जाऊंगी अलंग। अलंग में जहाँ पे बड़े बड़े सीप आते हैं और वो सीप वहाँ बाजू पे टूटते हैं। तो आज हम वही कवर करेंगे कि किस तरह से अलंग में बड़े बड़े सीप टूटते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं सभी, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद और मेरी बेटी। तो बस अभी यहाँ बाजू पे हम लोगों ने मिनी ब्रेक लिए, रास्ते में अलंग बहुत दूर है मेरे घर से। तो अभी खाने का मेरी बेटी घर से बना के लेके आई थी। हमने पहले, आप सबको पता है कि बड़ों देश से जाती हूँ तो बड़ी बेटी को लेती हूँ, लेकिन बड़ी बेटी इस बार नहीं आ रही है तो छोटी बिल्कुल बेटी को बिल्कुल लिए। तो बस यहाँ बाजू पे देखिए कितना खूबसूरत जहाँ है, आसमान, नीला आसमान, और नीले आसमान के सामने मैं और बस हम लोग, हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे। आज की पिकनिक नहीं है ये, आप लोगों को अलंग लेके चलूंगी जहाँ पे बड़े बड़ी सीप किस तरह से टूटती है और वहाँ बाजू पे हर एक चीज़, 5,000 की चीज़ सिर्फ 500 रुपये में सेल होती है, बिल्कुल पानी के भाव में। तो आज मैं आप लोगों को वहीं लेके जाऊंगी। उसके पहले गाड़ी, बहुत लंबा सफ़र था, गाड़ी चला के बेटा भी थक चुका है, गाड़ी गर्म हो चुकी है और पेट में भूख भी लग चुकी है, और ये मेरा प्यारा सा हमजा बेबी, तो हमजा बेबी को भी भूख लगी है। तो माशाल्लाह पे माशाल्लाह यहाँ पे मेरी बेटी खाना बना के लेके आई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के हम लोग यहाँ पे पहले खाना खाते। तो दिखाती हूँ खाने में मेरी बेटी क्या क्या लेके आई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा खाने का भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन रोटी और देखिए सलाद माशाल्लाह, और साथ में स्वीट भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी दिखाती हूँ कि कौन सा स्वीट लेकर आए। तो चलो फ्रेंड, वो इतना तो अच्छा भूल गई मैं दिखाने का, वीडियो शूट करने का। और हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ चुके हैं क्योंकि अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा था और बड़ोदे से अलंग बहुत ज़्यादा दूर है। हम सुबह में निकले थे जल्दी से, घर से 7 बजे निकल चुके थे, और ये मेरा हमजा बेबी छोटा सा, और ये ताहा माशाल्लाह, और मेरी प्यारी सी स्वीट सी बेटी, मेरे दामाद। ये देखो बच्चों ने पक्के रास्ते, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली फाइनली आ चुके जहाँ पे ये बड़ी बड़ी सीप है और सीप दरिया में है, और इसको, सीप को किस तरह से तोड़ते तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी। और सॉरी फ्रेंड, मेरी तबीयत थोड़ी वही सवर नहीं हो रही है मेरे से, थोड़ी सी तबीयत सर्दी खांसी बहुत हो चुकी है, लेकिन वही सवर करने के वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, मेरे मोबाइल में भी थोड़ी दिक्कत आ चुकी है। यहाँ का वॉइस है, हवा बहुत ज़्यादा थी तो वॉइस मैंने वहाँ डाला था यहाँ ही सीप के सामने, लेकिन खड़खड़ खड़खड़ हो रही है आवाज़। कोई बात नहीं, चलिए फ्रेंड हम लोग फाइनली अलंग तो आ चुके हैं। ये है अलंग और यहाँ पे बड़ी बड़ी
पवन चक्किया है, देख सकते हो पवन चक्की है, और ये है सीप जिसको तोड़ने की है। ये सीप टूटने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है, देखिए फ्रेंड। इसको अभी अभी आपको मैं पूरी अच्छे से, पूरी वीडियो में बने रही है फ्रेंड, आधी अधूरी जानकारी खतराए जान होती है। तो ये पवन चक्की है, पवन चक्की के पास में नीला आसमान, और ये है सीप जो टूटेगी, अभी टूटने वाली है ये सीप, तोड़ने के लिए यहाँ आती है। तो पूरी सीप भी दिखाऊंगी कि कौन सी सीप है, रसिया की सीप है कि इंडिया की सीप है। वो सभी यहाँ पे झंडा पाड़ा हुआ होता है, इंडिया की होती है तो इंडियन झंडा होता है, रसिया की होती है तो रशियन झंडा होता है। तो ये सीप का नाम भी कुछ बहुत अच्छा है, माई मेरी, माई मेरी ये सीप का नाम है। क्रिश्चियन लोगों की है शायद से ये सीप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो बस अभी मैंने आप लोगों के लिए करके मैंने नोज पीस डाल लिए थी ताकि मुंह पे हाथ रखना ना पड़े, और बहुत लंबा सफ़र था इस वजह से गाड़ी में बैठने का ज़्यादा देर था। 7 बजे से हम लोग चले थे, यहाँ अलंग आते आते हमको 4 बजे, 4:30, 3:30, 4 बज चुके थे। तो और गाड़ी में इतना सब लंबा सफ़र में अबाया अनकंफर्टेबल हो जाता है, पहन के बैठते हैं तो अबाया फट जाता है, एक ही ट्रैवल में सिलाई निकल जाती है। इस वजह से फिर मैंने अबाया इस बार नई कैरी करा था। तो देखिए बच्चे कितने मस्ती, माशाल्लाह बच्चे इतने खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ अभी देखो बिल्कुल पानी नहीं है, सीप के वहाँ हम लोग आए जब बिल्कुल भर्ती नहीं थी, पानी भी नहीं है, और अभी हम लोग सीप के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल सीप के पास पानी नहीं है, देख सकते हो आप फ्रेंड, बिल्कुल सीप के पास आराम से जा सकते हैं, सीप को हाथ लगा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से इतनी नज़दीक से, आज से पहले हमने कभी इतनी बड़ी सीप नहीं देखी थी। आप में से किस किस ने इतनी बड़ी सीप इतनी नज़दीक से देखी है? तो यहाँ बाजू पे अलंग में बिल्कुल, अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो एकदम लास्ट में अलंग के ये एक सीप थी जो टूटने के लिए आई है, बाकी सारी सीप यानी वर्कशॉप पे थी जो टूट चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी बहुत वर्कशॉप में टूटी हुई सीपा भी थी, लेकिन अभी यहाँ बाजू पे वीडियो शूट करना बिल्कुल भी मना है, ये लोग वीडियो शूट नहीं करने देते, क्या पता क्यों नहीं करने देते। तो बस ये एक एक सीप थी जो बिल्कुल आवारा थी, जिसके कोई मालिक नहीं था, अल्लाह जाने, यहाँ बाजू पे बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई थी ये सीप, जिसकी हमने इसमें कोई परमिशन यानी नहीं थी, ऐसा नहीं था, वीडियो शूट कर सकते कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो शूट करी, कोई था ही नहीं जो बोलेगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे दरिया में आगे, तो भर्ती नहीं थी जब लोग हम लोग आए तब बिल्कुल भर्ती नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम लोग आए ने ऐसे दरिया तूफानी हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को आधी अधूरी मत छोड़ना। सीप के पास भी जाएंगे, सीप को हाथ लगाने की कोशिश भी करेंगे, इतनी बड़ी सीप है, और देखिए पानी दरिया का कितनी दूर जा चुका है, हम लोग आए हैं तब दरिया का पानी कितनी दूर जा चुका है, सीप भी दरिया के पानी में ज़्यादा नहीं है, देखिए अभी बहुत दूर है पानी। जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे ने ऐसे दरिया तूफानी होगा, और ये सीप को बांधी हुई है ये सांकल से, सीप इस सांकल से बंधी हुई है, वरना छुट्टी छोड़ देवे तो हाजी कहवे ये सीप पानी में वापस चली जावे, तो इतने बड़ी बड़ी सांकलों से सीप को बांध के रखते। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, अच्छा है पत्थरों के अंदर यानी दरिया में भी इतनी दूर जाने का है चल के, देखो ताहा कहाँ जा रही है। तो सीप के बहुत पास हम लोग आ चुके हैं, सीप पानी बहुत कम पानी में सीप खड़ी हुई है, बड़े बड़े पंखे लगे सीप में जो चलाती है सीप को, देखिए फ्रेंड कितनी सीप के पास आए हैं हम लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नज़ारा तो मैंने आज तक इतनी पास, इतनी बड़ी सीप के पास हम लोग, आप भी कोई नहीं गया होगा शायद, आज कोई होगा जो इतनी बड़ी सीप के पास दरिया में जाता है। देखिए फ्रेंड कितनी बड़ी सीप है, ये टूटने के लिए आई हुई है अलंग में, ये सब सीपा टूट जाती है।
खराब हो चुका है ये पवन चक्की देखो तो देखिए ये पवन चक्की है, बड़े बड़े जो पवन चक्की नहीं आती है वो यहाँ बाजू पे। इतनी नज़दीक से हमने पवन चक्की को भी देखी, इतनी नज़दीक से देखिए कैसी फिर रही है पवन चक्कियाँ खुले आसमान में, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ हैं ये। और अभी मेरे मोबाइल को क्या पता क्या हो गया है, वॉइस ओवर यानी जो मैंने ओरिजिनल वॉइस थी वो मेरे मोबाइल में आ ही नहीं रही है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। आप लोग भी प्लीज़ फ्रेंड माशाल्लाह ज़रूर से बोल देना मेरे बच्चों को, किसी की नज़र ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ बाजू पे देखिए फ्रेंड पानी एकदम तूफानी हो चुका है। अब पाँव जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी से देखिए, अभी फ्रेंड मैंने आपको दिखाई थी कि सीप बिल्कुल, हम लोगों ने सोचा कि चलो जावे तो वहाँ सीप के पास में पानी आ गया बहुत ज़्यादा, जबकि हम लोग आए थे तब बिल्कुल पानी नहीं था। और थोड़ा फ़ोटो शूट करा, थोड़ी वीडियो शूट करी, इतने में तो सिप के पास में एकदम ज़्यादा पानी आने लग गया है। और बस यहाँ बाजू पे देखिए फ्रेंड, अभी आप लोगों को दिखाते फिर भी हम लोग वहाँ जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हाजी साहब देखो, हाजी साहब को देखो, देखो माशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचावे, अल्लाह मेरे हाजी की और मेरे बेटे की, मेरे जवाई की, मेरी बेटी की, मेरे नुमान मिजना ताहा हमजा सबकी अल्लाह हमेशा हिफाजत करियो। तो देखिए फ्रेंड माशाल्लाह कितना प्यारे नज़ारे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही सवर कर रही हूँ, अजान हुई है तो फिर मैं यहाँ फिर बाद में वही सवर करती हूँ। तो ले मिलते बकरे हैं काले, ले हैं इसमें सफेद होते हैं काले बकरे।
है।